श्वेतांबर जैन समुदाय या श्वेतांबर जैन समुदाय दोनों समुदायों के जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में जो 24वें नंबर के जो आराध्य देव तीर्थंकर भगवान हैं, जिनका नाम भगवान महावीर स्वामी है, और उन महावीर स्वामी की 17 तारीख को उनकी जयंती है, कल्याणक है, जन्म कल्याणक, जिसे अपन सारा वर्ल्ड उनकी जयंती के रूप में मनाता है। और महावीर स्वामी एक तीर्थंकर तो है ही जैनों के, मगर वह प्राणी मात्र के वो ईश्वर हैं जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जियो और जीने दो का नारा दिया, और हमें आपस में अहिंसा को अहिंसा से जीतने का संदेश दिया। ऐसे वह महावीर स्वामी जिनकी जयंती हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं कल्याणक के रूप में, और वह महावीर भगवान जो हमें एकता अखंडता से जीने का उपदेश देते हैं, हमें आपस में एक मेघ होकर के एक साथ रह कर के देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए संदेश देते हैं, क्योंकि ये देश महावीर भगवान का है, आदिनाथ भगवान का है, रामचंद्र का है, हनुमान का है, ना ये वो देश है जहाँ पर इस पृथ्वी पर सभी महापुरुषों ने जन्म लिया एवं इस भूमि पर विचरण किया है। तो उनका यह उपदेश आज महावीर स्वामी का उपदेश मैं यही कहूँगा, संदेश दूंगा कि आज भले ही रामचंद्र हमारे बीच में नहीं है, हनुमान जी हमारे बीच में नहीं है, महावीर भगवान हमारे बीच में नहीं है, पर उनने जिस प्रकार से जीवन जिया है, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ आदर्श प्रेरणा हमारे बीच में है, और हम लोगों को आज अपन देखें एकता अखंडता के साथ साथ हमें अपने परिवारों की रक्षा, अपनी बेटियों की रक्षा, हमें अपने समाज की रक्षा, आज हमारे देश का जो कल्चर है जो अपन देखें चेंज हो रहा है, वो कल्चर जो अपन देखें वर्ल्ड में अन्य स्थानों पर अन्य कंट्रियां हमारे कल्चर को फॉलो कर रही हैं, शाकाहार को फॉलो कर रही हैं, और आज हमारा कल्चर जो है वह अपने कल्चर को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को धारण कर रही है, जो कि एक समाज के लिए देश के लिए एक घातक है ना, परिवार को तोड़ने वाला है। आज अपन देखें कि लड़कियां जो लड़कियां हैं आज उनके बीच में भी ना मदरापान सिगरेट आदि का नशा वो करने लगी हैं। आज हमारे युवा जो हैं वह शराब मांसाहार नॉनवेज की तरफ भागने लगे हैं, इसलिए आज अपन देखें घर घर में विनयाचार का अभाव होने लगा है, आज अपन देखें आपस में अहंकार ज़्यादा पलने लगा है, इसलिए आज अपन देखें खींचतान का माहौल ना बनने लगा है। संस्कार जो है आज हमारी समाज में संस्कार विहीन समाज नजर आने लगी है, और संस्कारों के ना होने के कारण से आज अपन देखें कि बच्चे अलग भाग रहे हैं, माता पिता अलग भाग रहे हैं, समाज अलग भाग रही है, देश अलग भाग रहा है। आज अपन देखें इस लिए आज देश की एकता अखंडता के लिए पुनः राम की जरूरत है, महावीर की जरूरत है, हनुमान की जरूरत है, जिससे कि हमारी देश हमारा हमारी समाजें ना हमारे युवा हमारी पीढ़ियां जो हैं वह धर्म के पथ पर चलते हुए देश की एकता अखंडता को मजबूत कर सके।